हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनंदा दयान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं हूँ अभी दिल्ली में, तो दिल्ली का गर्मी आपको पता ही है। तो शादी होने के बाद जैसे हमें डार्क सर्कल्स फ्री में मिलता है, ठीक वैसे ही गर्मी आते ही हमें टैनिंग फ्री में मिलता है ना। थोड़ा सा बाहर नहीं गए और टैनिंग आपको मिल गई। देखो बाहर तो आना जाना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत में तो बाहर, अगर आपको ज़रूरत है बाहर जाने के लिए तो आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इसके टैनिंग की वजह से अगर आप घर में छुपे रहेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बाहर भी जाओगे और टैनिंग फ्री भी रहोगे। तो आज मैं एक ऐसी घरेलू फेस मास्क शेयर करूँ जो नेचुरली आपके फेस से टैनिंग को बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। मैंने बोला है धूप में जाते ही टैनिंग हो जाती है, तो अगर आपके फेस पे टैनिंग ना हो तो और भी ज़्यादा सेवियर, मतलब और भी सेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लाइक सन बर्न होने से हमारी स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो अगर आपके फेस पे टैनिंग है तो ये तो बहुत ही नेचुरली तरीके से रिमूव कर सकता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी डेफिनेटली आपको घर की चीज़ों से इसको क्लियर करना है, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और ये बहुत मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप अपनी स्किन का केयर करोगे तो ये बहुत रिमूव हो सकता है। तो इसके लिए बाहर की चीज़ ऐसे मार्केट वाला प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो कुछ भी प्रोडक्ट क्यों ना आप यूज़ करो तो उसके अंदर तो केमिकल तो होगा ही। तो इसके लिए मैं बोलूँगी टैनिंग उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसके लिए आपको ऐसे केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करना पड़े। तो अगर आपके फेस पर टैनिंग हुई है तो ये घरेलू मास्क आप यूज़ करिए, बस एक ही वॉश में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इस फेस पैक के लिए तो मैं क्या बोलूँ, मैं आपको कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी बोल सकती हूँ कि प्लीज़ करो ऐसे। तो ये फेस पैक आपको ज़रूर यूज़ करनी है टैनिंग को रिमूव करने में। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और प्रोसेस देखते हैं कैसे वो फेस पैक बनाने हैं। सो पहले मैं एक फेस वॉश रेडी करूँगी। उसके लिए मैं लगभग एक चम्मच बेसन लूँगी और उसके साथ हाफ चम्मच ऐसे चावल के आटा, ये घर में पिसा हुआ घर में चावल के आटा लूँगी, और हाफ चम्मच टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा हाफ चम्मच कॉफ़ी, उसको बस नॉर्मल पानी से वॉश करना, मतलब मिक्स करना है बस। उसके बाद वो मेरे फेस पर लगाऊँगी। तो बेसन यहाँ पर बहुत अच्छी क्लिनजिंग का काम करता है, और मैं थोड़ा सा चावल के आटे मिक्स किया है, वो स्क्रबिंग का काम करेगा। और मैंने हल्दी टर्मरिक यूज़ किया है, वो हमारे ऐसे फेस के लिए बहुत अच्छे काम भी करते हैं। अब दाग धब्बे हो तो वो दाग धब्बे को मिटा देता है। और कॉफ़ी टैनिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो ये स्पेशली टैनिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो ये फेस वॉश नॉर्मली आप डेली यूज़ कर सकते हो। तो फेस वॉश को अपने चेहरे पर लगाइए, थोड़ा हाथ को गीला करने के बाद फेस पर मसाज करिए अच्छी तरह से, एक एक कोने को मतलब लगा है, छोड़ना नहीं है, ऐसे नोज़ के अराउंड, नोज़ के ऊपर जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होने की चांसेस रहती है वहाँ पे अच्छी तरह से क्लीन अप करना है। थोड़ा सा हल्के मोशन में, यहाँ पे तो मैं जल्दी दिखाई हूँ, हल्के मोशन में सर्कुलर मोशन में ऐसे करनी है। और गर्दन में स्पेशली करनी है, क्योंकि ये गर्दन भी हमारा ही है। तो बस फेस वॉश करो एक मिनट तक, उसके बाद फेस वॉश कर लो। तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फेस पैक बनाएंगे। तो उसके लिए भी एक चम्मच बेसन लूँगी मैं, और एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर्ड दही लूँगी, और उसके साथ मैं थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करूँगी, और हाफ चम्मच हनी यूज़ करूँगी, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये सैंडलवुड पाउडर मैं यूज़ करूँगी लगभग एक चम्मच यूज़ करूँगी। सबको मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगाऊँगी। तो बेसन का भी काम सेम ही है जैसे मैंने बोला है, डीटेनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेसन। और बेसन आपकी फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्लिनजिंग का काम बहुत अच्छी तरह से करता है। और दही में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, तो नेचुरली ब्लीचिंग का काम भी करते हैं, जो सन टैन को बहुत क्विकली रिमूव कर देता है। तो उसको भी अपने फेस पे यूज़ करने हैं, फेस वॉश करने के बाद पूरे फेस पे यूज़ करनी है, फेस पे ऐसे नेक एरिया पे, बैक में उसको अच्छी तरह से यूज़ करनी है, मोटे लेयर पे लगाने हैं। तो बस उसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट उसको रखो, 20 मिनट अगर टाइम नहीं भी हो तो 10 से 15 मिनट भी रख सकते हो, उसके बाद बस नहा लो। ये तो मैं डेली नहीं मिनिमम हफ्ते में 4-5 दिन यूज़ करती हूँ, और नहाने से पहले यूज़ करती हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से ऐसे गर्दन वर्दन में लगा सकूँ, क्योंकि नहाने के बाद ये अगर लगाऊँगी तो थोड़ा सा धोने में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होती है। तो नहाने से पहले इसको यूज़ करो, उसको बनाओ, रेडी करो, उसको लगाओ, तो और कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला 10-15 मिनट रखो, हफ्ते में करनी है 3-4 से 5 दिन बस।
से आप देख रहे हो मैं अभी नहाने के बाद अभी बैठी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाई हूँ। घर में ही हूँ मैं, बाहर नहीं जाऊँगी, तो इसीलिए सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र उसके बाद सनस्क्रीन लगाई हूँ। तो अभी कुछ मैंने कुछ भी और फेस पे नहीं लगाई है। तो ये आपको जैसे मैंने बोला है, ये आपको हफ्ते में 4 दिन यूज़ करनी है। आप चाहे तो 5 दिन भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग पड़ गई है तो बस एक हफ्ते। देखो कुछ भी, मैं ये बार बार बोलती हूँ, कुछ भी आपको रिजल्ट पाने के लिए कुछ भी मतलब एक बार में तो नहीं होता है, बट अगर आप ये पैक को यूज़ करोगे तो एक बार में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये फेस पैक को मतलब एक आपके फेस से एकदम पूरी तरह से टैनिंग को हटाने के लिए थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। बस इस फेस पैक को कंटिन्यू यूज़ करो, ज़्यादा नहीं 2 हफ्ते यूज़ करो, हफ्ते में 4 बार हो 5 बार हो यूज़ करो पूरे फेस पे। जैसे मैंने दिखाया पूरे फेस पे, मैंने नेक पे, ऐसे इस साइड पे, अगर आप बाहर चलोगे तो यहाँ पे भी, बैक में भी बहुत टैनिंग हो जाती है, सिर्फ फेस पे नहीं उसके साथ साथ हाथों में भी हो जाती है। तो मैं हाथों में भी यूज़ करती हूँ ये फेस पैक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस के लिए है। तो आप इस फेस पैक को बनाओ और अच्छी तरह से यूज़ करो। और एक बात, जैसे मैंने दिखाया है मैंने सिर्फ फेस पैक यूज़ नहीं किया है, मैं घर पे एक फेस वॉश भी यूज़ मतलब बनाया है। तो अभी कई दिनों से मैं फेस वॉश को एकदम बिल्कुल भी छोड़ दिए है। वैसे ही गर्मी में आपको 2 बार 3 बार तो फेस धोना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ती है ऐसे, इसीलिए फेस को अगर थोड़ा सा भी बाहर निकले तो फेस वॉश करना ही पड़ता है, इसीलिए 2 बार फेस वॉश मैं करती हूँ। तो नेचुरली अगर आप मेकअप यूज़ नहीं करते हो, मार्केट वाला फेस वॉश आप दिन में एक बार यूज़ करो वो ही काफ़ी है। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको 2 बार धोना पड़ेगा, इसीलिए मैं कई दिनों से मैं अवॉइड कर रही हूँ ऐसे मार्केट वाला फेस वॉश। मैं ऐसे घरेलू ये DIY करके मैं फेस वॉश बना रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ, और सच में मुझे रिजल्ट मिल रहा है, सच में। तो वो फेस वॉश बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, और उसके अंदर जो जो प्रोडक्ट मैंने मतलब जो जो इन्ग्रीडियंट मैंने डाली है वो सब हमारे फेस के लिए एकदम A1 है, और टैनिंग के लिए खास करके तो बहुत ही अच्छे है। तो वो भी मैं बोलूँगी, पहले फेस वॉश को मतलब वो फेस पैक, फेस वॉश का वो रेडी करो, उसके बाद उससे पहले, उसके बाद फेस वॉश करो, उसके बाद ये फेस पैक आप लगाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है उतने, अगर आप बोलोगे नहीं मैं फेस वॉश तो मैं बाज़ार ही यूज़ करूँगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये फेस पैक यूज़ करो। जैसे मैंने बोला है हफ्ते में 4 दिन यूज़ करो, बेस्ट रिजल्ट के लिए 5 दिन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसे हर्ब्स केमिकल या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो 5 दिन भी। तो बस ऐसे फेस पे लगाओ, यूज़ करो और बस टैनिंग फ्री रहो। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, Sunanda92D मेरा ID है। तो बस फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।